नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद। एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना के विशेषण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं। आप इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए। इंडिया इज अ बिग कंट्री यानी भारत एक बड़ा देश है। यहाँ पे बिग एक विशेषण है जो हमें देश के बारे में बताता है, कैसा देश, बड़ा देश। फिर कनाडा इज अ बिगर कंट्री यानी कनाडा और भी बड़ा देश है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा भारत से बड़ा है। तो जब मैं बिगर बोलता हूँ तो यहाँ पे मैं एक तुलना कर रहा हूँ कनाडा और भारत के क्षेत्रफल में। और अंत में रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो इसका अर्थ है इन तीनों में रशिया का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो अब आप इन तीन विशेषणों पे ध्यान दीजिए, बिग, फिर बिगर और अंत में बिगेस्ट। बिग एक विशेषण है जो हमें देश के बारे में कुछ बता रहा है। बिगर भी एक विशेषण है, बट जब हम बिगर बोलते हैं तो हम दो देशों के बीच एक तुलना कर रहे हैं। और बिगेस्ट भी एक विशेषण है, लेकिन जब हम बिगेस्ट बोलते हैं तो हम दो से अधिक देशों के बीच तुलना कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो पहले हमने उदाहरण देखे उसके हिसाब से आपको समझ गया होगा कि तीन तरह के विशेषण हो सकते हैं। इन्हें अंग्रेजी में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहा जाता है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री, तो एक एडजेक्टिव जो किसी गुण के अस्तित्व का बोध करता है, यानी एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म यूज्ड टू डिनोट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वालिटी, इसे हम एक पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, यानी इनका उपयोग तब किया जाता है जब कोई तुलना नहीं की जाती। तो आप उदाहरण देख सकते हैं, टेस्टी फूड यानी स्वादिष्ट खाना, फिर हॉट सन यानी गर्म सूर्य, और क्यूट डॉग यानी एक प्यारा कुत्ता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किसी गुण के अस्तित्व का बोध कर रहे हैं। खाना स्वादिष्ट है, सूर्य गर्म है, कुत्ता प्यारा है, यहाँ हम कोई तुलना नहीं कर रहे। तो ऐसे विशेषण इन्हें हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, यह तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना की जाती है। यूज्ड व्हेन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, लॉरेल इज थिनर देन हार्डी। तो ये दोनों एक बहुत ही प्रचलित अमेरिकन टीवी सीरीज के किरदार है। तो ये है लॉरेल और ये है हार्डी। तो यहाँ पे लॉरेल इज थिनर देन हार्डी का मतलब है लॉरेल हार्डली से पतला है। वैसे ही ऋतिक रोशन इज यंगर देन राकेश रोशन। तो इन दोनों को तो आप जानते ही है। तो ऋतिक रोशन इज यंगर देन राकेश रोशन का अर्थ है ऋतिक रोशन राकेश रोशन से जवान है। और अंत में एप्पल्स आर स्वीटर देन ऑरेंजेस, यानी सेब संतरे से मीठा होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन शब्द थिनर, यंगर और स्वीटर, ये हर एक शब्द दो संज्ञाओं के बीच तुलना कर रहा है। थिनर से लॉरेल और हार्डी, इन संज्ञाओं में तुलना हो रही है। यंगर से ऋतिक रोशन और राकेश रोशन, इन संज्ञाओं में तुलना हो रही है। और स्वीटर से एप्पल्स यानी सेब और ऑरेंजेस यानी संतरे, इनके बीच तुलना हो रही है। तो चलिए अब सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो से अधिक संज्ञाओं में हम एक तुलना करते हैं।
यूज व्हेन मोर देन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड, ध्यान रखिए मोर देन टू यानी दो से अधिक। तो इसके हम उदाहरण देखते हैं। बिल गेट्स इज द रिचेस्ट पर्सन, यानी बिल गेट्स सबसे अमीर इंसान है। बिल गेट्स अगर आपको पता ना हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। तो अब मैं जब ऐसा बोलता हूँ कि बिल गेट्स सबसे अमीर इंसान है, तो इसका अर्थ यह है कि मैं बिल गेट्स को बाकी सब इंसानों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, या बिल गेट्स की तुलना बाकी सब इंसानों के साथ कर रहा हूँ। वैसे ही जब मैं बोलता हूँ बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है दुबई में और यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंची। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो मैं बुर्ज खलीफा की तुलना बाकी सब बिल्डिंग्स के साथ कर रहा हूँ। तो इसलिए इसे रिचेस्ट और टॉलेस्ट इन दोनों को सुपरलेटिव डिग्री में माना जाता है, क्योंकि एक से अधिक चीजों की तुलना हो रही, एक से अधिक संज्ञाओं की तुलना हो रही है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हमें अगर पॉजिटिव डिग्री के विशेषण पता है तो हम उनसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण कैसे बनाए। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिनके बारे में हम अब देखेंगे। तो इन नियमों के बारे में देखने से पहले हमें सिलेबल के बारे में जानना होगा। सिलेबल यानी उच्चारण इकाई। तो उच्चारण इकाई इसके बारे में समझते हैं। साउंड ऑफ अ वॉवल को हम सिलेबल कहते हैं, यानी हमने देखा था पांच वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए इसकी एक आवाज है, ई इसकी भी एक आवाज है। तो ऐसी आवाज एक शब्द में कितनी बार आती है उससे हमें पता चलता है कि उस शब्द में कितने सिलेबल हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, फ्री इसमें हमें ई की आवाज आती है, फ्री तो इसमें एक सिलेबल है। फिर बायो इसमें आई और ओ की आवाज आती है तो इसमें दो सिलेबल है। फिर फायर, यहां पे आप देखेंगे कि दो वॉवल है आई और ई, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं फायर तो आवाज सिर्फ आई की आती है, ई की आवाज नहीं आती, इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही सिलेबल है। कॉन्ट्रीब्यूट, तो अब हम इसे तीन पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कौन, इसमें ओ की आवाज है। ट्री, इसमें ई की आवाज है, भले ही यहां पे वॉवल आई है बट आवाज हमें ई की आती है। और ब्यूट, इसमें यू की आवाज है और भले ही एक अन्य वॉवल है ई, उसकी आवाज नहीं आ रही है। जब मैं ब्यूट बोलता हूं तो ई की आवाज नहीं आती, तो इसलिए इसमें तीन सिलेबल है। तो जितनी बार किसी वॉवल की आवाज आती है किसी शब्द में, उतने सिलेबल है उस शब्द में। तो इस चीज को हम और गहराई में देख सकते हैं पर इतनी जरूरत नहीं है, आगे हमें जितनी जरूरत पड़ेगी उसके लिए इतना काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक सिलेबल के शब्द यानी वन सिलेबल वर्ड्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी ऐड करते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। स्वीट यानी मीठा, उसका कंपैरेटिव हो जाएगा स्वीटर यानी ज्यादा मीठा, और स्वीटेस्ट उसका सुपरलेटिव होगा यानी सबसे मीठा। फिर काइंड यानी दयालु, इसका कंपैरेटिव हो जाता है काइंडर यानी और दयालु, और सुपरलेटिव हो जाता है काइंडेस्ट यानी सबसे दयालु। फिर यंग यानी जवान, इसका कंपैरेटिव हो जाता है यंगर यानी और जवान, और सुपरलेटिव हो जाता है यंगेस्ट यानी सबसे जवान। अब कोई पॉजिटिव डिग्री का विशेषण अगर ई में अंतित होता है तो हम कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ आर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी ऐड करते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। ब्रेव यानी बहादुर, जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में नीरजा भानोट, इसके ऊपर एक फिल्म भी आ चुकी है नीरजा नाम से। तो आपको पता होगा कि नीरजा भानोट ने हवाई जहाज में लोगों को बचाने के लिए बहुत बहादुरी दिखाई थी। तो बहादुर एक विशेषण है, उसका अंत होता है ई में, ब्रेव। तो उसके कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने बस केवल आर ऐड किया, ब्रेवर यानी और बहादुर, और
सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी ऐड किया, यानी ब्रेवेस्ट, यानी सबसे बहादुर। वैसे ही फाइन यानी पतला, जैसे कि ये धागा है इस चित्र में, तो इसका कंपैरेटिव हो जाता है फाइनर यानी और पतला, और सुपरलेटिव हो जाता है फाइनेस्ट यानी सबसे पतला। तो अब आपको एक दिक्कत हो रही होगी कि हमने पहले बोला था कि थिन यानी पतला, और यहां हम बोल रहे हैं फाइन यानी पतला, ऐसा क्यों? इसका उत्तर ये है कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत शब्द है जिनका एक ही अर्थ होता है, और वैसे ही अंग्रेजी में एक शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी फाइन का अर्थ होता है कि सब ठीक है। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा आई एम फाइन, इसका अर्थ है कि मैं ठीक हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में तो आप और शब्द जानेंगे, उनके मतलब जानेंगे, और आप उनको सरलता से रोज के जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर वाइज यानी बुद्धिमान, इसका कंपैरेटिव हो जाता है वाइजर, और सुपरलेटिव हो जाता है वाइजेस्ट। इस चित्र में आप देख सकते हैं डंबलडोर, जो हैरी पॉटर नाम की किताब में एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान का किरदार निभाते हैं। ये नियम केवल एक सिलेबल वाले शब्दों के लिए नहीं है, उन सभी शब्दों के लिए है जिनका अंत ई में होता है। अब अगर पॉजिटिव का अंत वाई में होता है और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, याद कीजिए कि हमने कॉन्सोनेंट्स के बारे में पहले पढ़ा था, जो अक्षर वॉवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो ऐसे केस में हम वाई को आई से बदलते हैं और कंपैरेटिव बनाने के लिए अंत में ईआर जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी जोड़ते हैं। भारी यानी हेवी, तो उसका कंपैरेटिव होता है हेवियर, तो इसमें वाई को हमने आई से बदला और अंत में ईआर लगाया, और उसका सुपरलेटिव होता है हेवीएस्ट यानी सबसे भारी, तो इसमें भी वाई को आई से बदला और अंत में ईएसटी लगाया। फिर देखते हैं हैप्पी यानी खुश, तो इसमें हमने y को वापस i से बदला और er लगाया, happier यानी और भी खुश, और superlative बनाने के लिए y को i से बदल के est लगाया यानी happiest यानी सबसे खुश। और easy यानी आसान, इसका comparative हो जाता है easier और superlative हो जाता है easiest। अब ध्यान दे सकते हैं कि heavy, happy, easy ये एक syllable वाले शब्द नहीं है। आप उदाहरण के लिए easy देख लीजिए, इसमें मेरे को ई की आवाज दो बार आ रही है, तो ये दो सिलेबल का शब्द है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नियम है वो केवल एक सिलेबल वाले शब्दों के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे शब्दों के लिए है जिनका अंत वाई में होता है। अगर एक एक सिलेबल वाला शब्द है और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट आता है और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल आता है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं यानी कॉन्सोनेंट को दो बार लिखेंगे और फिर उसमें ER जोड़ेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए और EST जोड़ेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं बिग यानी बड़ा, तो उसका कंपैरेटिव हो जाता है बिगर यानी और बड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवल है I, तो हमने क्या किया जी को दो बार लिखा यानी जी को डबल कर दिया और फिर कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ा और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ा। वैसे ही हॉट यानी गरम, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो टी है वो एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल आ रहा है ओ, तो हमने क्या किया टी को दो बार लिखा यानी डबल कर दिया, उससे उसके बाद उस पे ER ऐड कर दिया कंपैरेटिव बनाने के लिए और EST ऐड कर दिया सुपरलेटिव बनाने के लिए। और अंत में फैट यानी मोटा, यहां भी सेम चीज यूज हो रही है, कंपैरेटिव हो जाता है फैटर और सुपरलेटिव हो जाता है फैटेस्ट। अगर एक टू सिलेबल का एडजेक्टिव यानी जिसमें दो सिलेबल्स हो और उसका अंत होता है फुल, लेस, ing, ing या ed, ed, इनमें, तो हम क्या करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए उस शब्द के पहले मोर लिखते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उस शब्द के पहले मोस्ट लिखते हैं।
चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यूजफुल यानी उपयोगी, देखिए आप ये दो सिलेबल है, यूज इसमें हमें यू की आवाज आती है और फुल इसमें भी यू की आवाज आती है, तो दो बार हमें यू की आवाज आ रही है, इसमें दो सिलेबल्स हैं और इसका अंत हो रहा है फुल में, तो हमने इसका कंपैरेटिव कैसे बनाया, मोर यूजफुल, और सुपरलेटिव कैसे बनाया, मोस्ट यूजफुल। वैसे ही होपलेस यानी निराशाजनक, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो सिलेबल्स है, होप में ओ की आवाज आती है और लेस में ए की आवाज आती है, तो इसके कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने डाल दिया मोर होपलेस और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट होपलेस, तो इसमें लेस में अंत हो रहा है ये दो सिलेबल वाले शब्द। फिर बोरिंग यानी उबाऊ, यानी कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको मजा नहीं आता, तो इसमें आईएनजी से अंत हो रहा है ये दो सिलेबल वाला शब्द, तो हमने इसका कंपैरेटिव बना दिया मोर बोरिंग और सुपरलेटिव बना दिया मोस्ट बोरिंग, यानी सबसे उबाऊ, सबसे ज्यादा उबाऊ। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, तो इसका अंत हो रहा है ईडी में और यह भी एक दो सिलेबल वाला शब्द है, ठीक है। तो अब इसमें हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए जोड़ दिया मोर, मोर सरप्राइज्ड यानी और आश्चर्यचकित, और सुपरलेटिव बनाने के लिए जोड़ दिया मोस्ट यानी मोस्ट सरप्राइज्ड यानी सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स जिनमें दो से अधिक सिलेबल होते हैं, तो इनमें भी हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ऐड करते हैं। तो डिफिकल्ट यानी मुश्किल, इसमें आप देख सकते हैं कि तीन सिलेबल है, डिफ इसमें आई का आवाज आता है, फिर फी इसमें ई का आवाज आता है, और कल्ट उसमें अ का आवाज आता है, ए का आवाज। तो आप देख सकते हैं कि इसका कंपैरेटिव हो गया मोर डिफिकल्ट और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट डिफिकल्ट यानी सबसे ज्यादा मुश्किल। फिर करेजियस यानी साहसी, इसमें भी कंपैरेटिव हो गया मोर करेजियस यानी और भी साहसी, और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट करेजियस यानी सबसे ज्यादा साहसी, जैसे हमारे आर्मी वाले होते हैं। अब कुछ शब्द है जिनमें कोई रूल नहीं होता, इनका कंपैरिजन आपको याद करना होगा, जैसे है गुड यानी अच्छा, उसका कंपैरेटिव हो जाता है बेटर यानी और अच्छा, और सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट यानी सबसे अच्छा। वैसे ही बैड यानी बुरा, इसका कंपैरेटिव हो जाता है वर्स यानी और भी बुरा, और सुपरलेटिव हो जाता है वर्स्ट यानी सबसे बुरा। फार यानी दूर, इसका कंपैरेटिव हो जाता है फार्थर यानी और भी दूर, और सुपरलेटिव हो जाता है फार्थेस्ट यानी सबसे दूर। तो आप देख सकते हैं इनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो इनके कंपैरिजन आपको याद करने होंगे। तो चलिए एक सारांश देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा उसका। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, अगर एक सिलेबल का शब्द है तो जनरली हम अंत में ईआर जोड़ते हैं, अगर शब्द का अंत ई में होता है तो जनरली हम अंत में आर जोड़ते हैं, अगर शब्द का अंत वाई में होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, वाई को आई से बदलते हैं और अंत में ई आर जोड़ते हैं, अगर शब्द का अंत एक कॉन्सोनेंट से होता है और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल है तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और अंत में ई आर लगा देते हैं, अगर शब्द दो सिलेबल का है और उसका अंत होता है फुल लेस आई एन जी इंग या ईडी एड में तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव के पहले मोर लगा देते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और अगर शब्द में दो से अधिक सिलेबल है तो हम वापस पॉजिटिव के पहले मोर लगा देते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। वैसे ही पॉजिटिव टू सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, एक सिलेबल का शब्द हो तो अंत में ईएसटी लगाते हैं जनरली, अगर शब्द का अंत ई में हो रहा हो तो हम जनरली अंत में एसटी लगाते हैं, अगर शब्द का अंत वाई में होता हो तो हम जनरली वाई को आई से बदलते हैं
और अंत में ईएसटी लगाते हैं। अगर शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और अंत में ईएसटी लगा दो। अगर वो शब्द दो सिलेबल का हो और उसका अंत हो रहा हो फुल, लेस, इंग या ईडी में तो हम उसके पहले मोस्ट लगाते हैं उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए, और अगर शब्द दो से अधिक सिलेबल का हो तो वापस अंत में हम मोस्ट, अंत में नहीं, शब्द के पहले हम मोस्ट लगाते हैं उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए, और हमने अंत में कुछ इररेगुलर कंपैरिजन या इम्प्रॉपर कंपैरिजन देखे जिसमें कोई नियम नहीं होता जो आपको याद करने होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की कुछ विविध बातें करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कलर्स के बारे में, यानी रंगों के बारे में। यानी आपको रंगों के हिंदी नाम तो पता होंगे, इस पार्ट में मैं आपको उनके अंग्रेजी नाम बताता हूँ। तो पहला कलर है ब्लू, यानी नीला। तो हिंदी में जैसे आप नीला कहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है ब्लू। वैसे ही पीला, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं येलो। हरे को हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन। सफेद को हम अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट। काले को हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक। बैंगनी को हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्पल। लाल को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेड। ऑरेंज को हम अंग्रेजी में कहते हैं, नारंगी को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑरेंज, क्षमा कीजिए, और भूरे को हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन। तो ऐसे रंग हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, या साधारण तौर पर ये सारे रंग हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको पता है उनके अंग्रेजी नाम क्या है, और आप रोज की बातचीत में ये अंग्रेजी नाम यूज या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।